हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्ट फॉरएवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले चार्ट ऑफ द डे की। चार्ट ऑफ द डे में हम एक पर्टिकुलर स्टॉक से रिलेटेड बातें करने वाले और जानेंगे उस स्टॉक के फंडामेंटल्स, क्या हमें खरीदना चाहिए, खरीदने के पीछे का रीजन क्या है और भी बहुत सारी चीज उस पर्टिकुलर स्टॉक से रिलेटेड जानेंगे। और मार्केट में दिग्गज शेयर है वो, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो आपने नाम भी देख लिया होगा थंबनेल में, बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े जाने कुछ उस स्टॉक से रिलेटेड, बट आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आपका खुद का चैनल इन्वेस्ट फॉरएवर, इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरह की वीडियो डेली बेसिस में मिलती रहे। और यहाँ पर आज के दिन में एक वीडियो ऑलरेडी आ गई है, पैसा हुआ डबल, ओके विद प्रूफ, 1 से 3 महीने के अंदर अंदर। यहाँ पर ये 2 पर्टिकुलर शेयर है जो हमने आपको सजेस्ट किए थे, और 2 ही नहीं, एक और पर्टिकुलर शेयर है वो मैंने यहाँ पर डिस्कस नहीं किया। तो यहाँ पर 3-4 शेयर है जो हमारे यहाँ पर पैसे डबल करते हुए दिखाई दिए। तो यहाँ पर इन 2 शेयर से रिलेटेड बातें करी है, आगे का प्रोस्पेक्टस बताया कि आगे क्या हो सकता है, आगे का व्यू दिया है। बाकी इस तरीके के शेयर और इस तरीके के बहुत सारे शेयर हम आपको नहीं बता पाते, तो उसे जानने के लिए यहाँ पर हमारी एक पेड सर्विस है। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आप जाइए, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो यहाँ पर व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पर क्लिक करें, हमारी सर्विस से रिलेटेड जानकारी ले लीजिए। बहुत नॉमिनल चार्जेस है, कोई महंगे चार्जेस नहीं है। आपको देखते हुए, आप हमारी फैमिली है, इसे देखते हुए यहाँ पर हम केवल अपनी मेहनत के पैसे मांगेंगे एंड नथिंग एल्स। आपको स्टॉक्स बता के देंगे, फंडामेंटल जो आप लोगे तो आप अच्छे खासे पैसे यहाँ पर कमाते हुए दिखाई देंगे। कल की डेट में मैंने शेयर परचेज किया था और अपने क्लाइंट्स को भी बताया था, वो आज की डेट में 10% भागता हुआ दिखाई दिया। तो यहाँ पर कल की डेट में हम वीडियो नहीं बना पाए, अदरवाइज उस शेयर को डिस्कस भी करते। तो यहाँ पर ऐसी चीजें छूट जाती है, तो उसे जानने के लिए आप हमें यहाँ पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करनी है। और आइए वीडियो की तरफ चलते हैं और जानते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले जिस स्टॉक से रिलेटेड, उसका नाम बता देता हूँ, उसका नाम है बर्जर पेंट इंडिया। बर्जर पेंट इंडिया के रिलेटेड बातें क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है, तो उससे ही चीज को हम जान लेते हैं। हम बात देखिए एशियन पेंट की भी कर सकते थे, बट हमने एशियन पेंट की बात नहीं करी, वो भी बताऊंगा क्यों। एशियन पेंट की जगह मैं आपको बर्जर पेंट के लिए क्यों कह रहा हूँ, उससे रिलेटेड भी बताऊंगा। तो आइए वीडियो की तरफ। सबसे पहले देखिए मेन बात, अगर आप यहाँ पर जाएंगे और देखेंगे तो देखिए यहाँ पर ये आपको यहाँ पर ये कुछ नाम दिखाई दे रहे हैं, ओके, गोदरेज प्रॉपर्टी, डीएलएफ, ओबेरॉय रियल्टी, फिनिक्स मिल्स, शोभा, एज वेल एज यहाँ बात करें ब्रिगेड इंडिया, पेस्टीज, होमिसफेयर। यहाँ पर ये क्या नाम है, ये नाम किस चीज के, ये नाम है उन कंपनीज के जो यहाँ पर प्रॉपर्टी सेल करती हुई दिखाई देते हैं। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे ना इनके प्राइस, ये 1200-1300 रुपये से, ये 2300-2400 हो गया। ओबेरॉय रियल्टी 400 रुपये से, यहाँ पर 500 रुपये से, ये 911 हो गया। बिशोबा यहाँ पर 400 से 853 हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर बहुत सारे शेयर है जो कि यहाँ पर भागते हुए दिखाई दिए और बेहतरीन रिटर्न देते हुए दिखाई दिए। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये भागे किस बेस पे, ये भागे इस बेस पे है क्योंकि इनकी जो ये पर्टिकुलर शेयर है, ओके, ये प्रॉपर्टी में डील करते हो, प्रॉपर्टी यहाँ पर और ज्यादा इन्होंने सेल करी है, ओके, एक दिन में काफी यहाँ पर प्रॉपर्टी सेल करी है। इनका मंथली डेटा आता हुआ दिखाई दिया, आप लोगों ने होप यहाँ पर देखा भी होगा, अदरवाइज यहाँ पर गूगल पे आप चेक कर सकते हैं। काफी करोड़ों की प्रॉपर्टी इन्होंने बहुत जल्दी यहाँ पर सेल करती हुई दिखाई दी। अब यहाँ पर प्रॉपर्टी सेल हो गई है, बट प्रॉपर्टी सेल हुई है तो प्रॉपर्टी कुछ बनी भी तो होगी, किसी चीज से बनी होगी, ओके। उनमें से उन चीजों को अब हमें चूज करना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए प्रॉपर्टी के शेयर भाग लिए, बहुत सारे केमिकल्स के स्टॉक भाग लिए, आईटी भाग लिए, बहुत सारी चीजें भाग ली, बट यहाँ पर प्रॉपर्टी भाग रही है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्या चीज हो सकती है, प्रॉपर्टी में जब यहाँ पर सेल हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है। और प्लस में यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर आ रही है दिवाली, तो यहाँ पर त्योहार आ रहे हैं, यहाँ पर जब त्योहार आ रहे हैं सब चीजें यहाँ आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा सेल्स सकती है, सबसे ज्यादा सेल्स की अगर हम बिना प्रॉपर्टी अगर सेल हुई है तो बिना घर के, तो बिना घर में यहाँ पर अगर हम बात करें पेंट के तो होगी नहीं, ओके। और पेंट यहाँ पर हर एक घर में लगता ही है, और यहाँ पर दिवाली आ रही है, दोबारा यहाँ पर लोग अपने घर में जाके पेंट कराएंगे। तो ये चीज समझने की जरूरत है। और यहाँ पर ऐसे स्टॉक्स जो कि यहाँ पर आपको बेहतरीन रिटर्न दे सकते हैं, जिनकी फ्यूचर अच्छे खासे, उन स्टॉक से रिलेटेड बातें करेंगे। देखिए सबसे पहले हम एशियन पेंट की बात क्यों नहीं कर रहे, बर्जर की बात क्यों कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर एक कुछ डेटा दिखाना चाहता हूँ। अगर मैं आपको दिखाऊं एशियन पेंट, तो एशियन पेंट लार्ज कैप कंपनी है, और बर्जर पेंट की बात करें तो यहाँ पर है वो मिड कैप कंपनी, ये भी लार्ज कैप ही है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक भी देख लेते हैं। ये भी लार्ज कंपनी है, वो भी लार्ज कैप कंपनी है, दोनों लार्ज कैप कंपनी है। बट एशियन पेंट की अगर हम बात करें तो देखिए 1 साल में इसने 58% के दिए, बर्जर पेंट की बात करें इसने 54% के रिटर्न दिए, ओके। और अगर हम 2 साल की बात करें इसने 91% के रिटर्न दिए, इसने 91 के 90 के रिटर्न दिए। और अगर हम बात करें वैसे नीचे मार्च से जब ये पैंडमिक आया था और गिरता था, देखिए इसने पैसे बर्जर पेंट ने डबल किए और इसने शायद 110-120% के रिटर्न देते हुए नजर आया। तो देखिए बर्जर पेंट ने 1 से 1.5 साल के अंदर अंदर सबसे ज्यादा आउट परफॉर्म किया है बर्जर पेंट के कंपेयर में। बट मैंने आपको दो चीज बताना चाहता हूँ। सबसे पहली बात कि यहाँ पर देखिए एशियन पेंट ने 10 साल में कितने परसेंट के रिटर्न दिए, 959% के रिटर्न, 959% के रिटर्न। और यहाँ पर बर्जर पेंट की बात करूँ तो 2250% के रिटर्न। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब दोनों दिग्गज कंपनी है, बट ये वाली जो कंपनी है ना ये ज्यादा चलती हुई दिखाई देती है कंपेयर देन यहाँ पर एशियन। देखिए लीडर भी है बट बर्जर पेंट को यहाँ पर लोग ज्यादा पसंद करते हैं। यहाँ पर ये शेयर भागता हुआ ज्यादा नजर आता है, यहाँ पर 2200% के रिटर्न और यहाँ पर 959% के रिटर्न। तो यहाँ पर रिटर्न में भी दुगने का अंतर है, समझ रहे हैं कि इसमें केवल 959% के रिटर्न मिले, जहां पर इसने आपको 1 लाख रुपए कमा के दिया है, इसने यहाँ पर 2 लाख से ज्यादा कमा के दिया है। तो इस चीज को समझने की जरूरत है और यहाँ पर ऐसे ही शेयर ज्यादा यहाँ पर चलते हुए दिखाई देते हैं, इसलिए यहाँ पर बर्जर पेंट को यहाँ पर चूज किया गया। बर्जर पेंट की बात करें 872 रुपए 22 जुलाई को इसने लगाया था और यहाँ पर बात करें 27 अक्टूबर को 588 रुपए पे चल रहा था, अभी ये 800 कुछ रुपए पे चल रहा है। तो ज्यादा यहाँ पर भागता हुआ दिखाई नहीं दिया। यहाँ पर अगर बात करें दूसरे शेयर में देखिए यहाँ पर तो वीडियो ही बनाई गई है, यहाँ पर एक दो महीने में पैसों को क्या किया है इसने डबल करते हुए दिखाई दिया है। यहाँ पर तो यहाँ पर शेयर ये तो साल में भी डबल होता हुआ दिखाई दिया है, बस केवल वो भी 1.5 साल में, साल में भी नहीं। तो इसलिए इस शेयर को अब चुनना एक अच्छा बात रहेगी। 40% की यहाँ पर आज की डेट में डिलीवरीज भी उठाई गई है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए रिजल्ट भी बहुत जल्दी आने ही वाले हैं, इस चीज को भी याद रखिए। ओके अक्टूबर में आई थिंक जो इस महीने में या फिर अगले महीने रिजल्ट भी यहाँ पर अच्छा खासा डिविडेंड कंपनी देती हुई नजर आती है। और यहाँ पर बात करें कोई भी शेयर यहाँ पर प्लेज नहीं है और 75% के आसपास की होल्डिंग यहाँ पर किसके प्रमोटर्स अक्षय कुमार यहाँ पर इस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर है। और अगर हम बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर देखिए प्राउड टू बी वन ऑफ द इंडियाज बेस्ट मैनेजर यहाँ पर देखिए तो कि ये अच्छा खासा शेयर है। ओके बर्जर पेंट एक बड़ा यहाँ पर नाम है और यहाँ पर देखिए शॉप पेंट से ऑनलाइन प्रोडक्ट्स, यहाँ पर एक्सप्रेस पेंटिंग, यहाँ पर अलग अलग चीज़ों से रिलेटेड यहाँ पर देख सकते हैं फास्टर देन ट्रेडिशनल पेंटिंग, यहाँ पर अच्छी यहाँ पर पेंट्स आपको मिलते हुए दिखाई देते हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस यहाँ पर इस पर्टिकुलर कंपनी यहाँ पर इनकी वेबसाइट पे जाके आप जान सकते हैं कि अलग अलग ये प्रोडक्ट्स बनाते हुए दिखाई देते हैं, चेक करते हुए दिखाई देते हैं कहीं सीलिंग वगैरह तो नहीं है। तो ये सब चीज़ यहाँ पर जाके एक बार इनकी वेबसाइट पर देख लीजिए। तो अदरवाइज यहाँ पर वीडियो बड़ा हो जाएगा अगर हम यहाँ पर जानने लग गया। तो आपको पता ही है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेल्स में कंपनी काम करती हुई नजर आती है। मार्केट कैप लार्ज कैप कंपनी है, 27 और 23% का यहाँ पर आरओई है। और यहाँ पर बात करें डेट तो 19% की डेट है, ज्यादा डेट भी नहीं है, डेट फ्री ही कह सकते हैं इसे। और यहाँ पर देखिए एंट्रेंस की वैल्यू तो 112 तो यहाँ पर 830 के आसपास ये शेयर चल रहा है, हाई देख ही चुके हैं हम। इसके अलावा मैक्सिमम चार्ट पैटर्न अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आप देख ही सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ऊपर, केवल ऊपर और ऊपर ही जाता हुआ दिखाई देता है। और जब भी यहाँ पर गिरावट आती है इस तरीके की ये शेयर फिर भागता हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा यहाँ पर एशियन पेंट से और भी कुछ चीजों की यहाँ पर देखे तो देखिए इसका ये थोड़ा महंगा नजर आता है, एशियन पेंट थोड़ा सस्ता नजर आता है। इसके अलावा मार्केट कैप में देखिए यहाँ पर बहुत अंतर है, यहाँ पर 3 लाख करोड़ की कंपनी, यहाँ पर 80,000 करोड़ की कंपनी है। और यहाँ पर और भी चीजों की बात करें तो यहाँ पर आरओसी देखिए इसका 34 है, इसका 27 है। तो बर्जर पेंट सही कंपनी है, इतनी बेकार कंपनी भी नहीं है। और प्राइस की बात करें तो यहाँ पर प्राइस में देखिए यहाँ पर 3200-3300 के आसपास का शेयर है, ये आपको 829 रुपए पे शेयर मिल रहा है। इसके अलावा रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट देखिए कंसिस्टेंट यहाँ पर ग्रोथ भी है, बीच में यहाँ पर पैंडेमिक की वजह से यहाँ पर गिरता हुआ दिखाई दिया, फिर दोबारा कंपनी ने एक स्पीड पकड़ लिया। और यहाँ पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी यहाँ पर भागता हुआ दिखाई दे रहा है, अच्छा खासा यहाँ पर नेट प्रॉफिट है। ईयरली बेसिस पे बात करें तो ईयरली बेसिस पे कंपनी का देख सकते हैं 1829 करोड़ की सेल, यहाँ पर पिछले 12 महीने में 7685 करोड़ की सेल्स। नेट प्रॉफिट की बात करें 120 करोड़ का प्रॉफिट 845 करोड़ के प्रॉफिट में चेंज हो गया पिछले 12 महीने में। और यहाँ पर रिजर्व की बात करें 3280 करोड़ के रिजर्व। बोरिंग देखिए यहाँ पर कम होती हुई दिखाई दे रही है। वर्किंग प्रोग्रेस में 107 करोड़ रुपए लगे हुए। इन्वेस्टमेंट की बात करें 356 करोड़ का इन्वेस्टमेंट। कैश की बात करें 440 करोड़ का कैश। तो मतलब रिजर्व्स अच्छे खासे है, कैश अच्छा खासा है, बोरिंग कम होती हुई नजर आ रही है। सारे पॉजिटिव फैक्टर, जो भी पैसा आता है बुक में दिखाई देता है। और यहाँ पर आरओसी आरओई 20 से कभी कम नहीं हुई। और ऐसे शेयर जहाँ पर 20 से कम नहीं होती, ये शेयर आपको मल्टीबैगर रिटर्न बनाते हुए दिखाते हैं। प्रोमोटर्स की होल्डिंग की बात करें 75% की होल्डिंग है लगभग, ये कह सकते हैं। एफआईज की बात करें यहाँ पर 11.25% की एफआईज की। डीआईज की बात करें करें 4.07% की। पब्लिक की बात करें, पब्लिक के पास केवल और केवल 9.69% की होल्डिंग यहाँ पर नजर आ रही है। तो आपको कहने का मतलब क्या है, देखिए जहाँ यहाँ पर पब्लिक की होल्ड, पब्लिक से यहाँ पर शेयर निकाल ले जाते हैं, DII से यहाँ पर अच्छे टाइम पे यहाँ पर शेयर बढ़ते रहते हैं और इसी क्वार्टर में उन्होंने यहाँ पर शेयर भरे भी है, तो थोड़ा समझने की जरूरत है। बर्जर पेंट की अब बात करते हैं मेन यहाँ पर चार्ट की। तो चार्ट की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर 8 जनवरी 2021 मतलब 8 जनवरी 2021 को ये शेयर किस प्राइस पे चल रहा था, 820 पे। अभी क्या प्राइस चल रहा है, 830। मतलब यहाँ पर अगर हम बात करें तो 10 महीने हो चुके हैं, करेक्ट 10 महीने हो चुके हैं। यहाँ 8 तारीख की बात कर रहा हूँ और आज भी 8 तारीख है, तो 8 से 8 10 महीने हो चुके हैं। और 10 महीने में ये शेयर कितना भागा है, ये शेयर भागा है यहाँ पर 10 रुपये। 10 रुपये मतलब क्या, 1% भी, 1% के लगभग ये शेयर भागता हुआ दिखाई दिया है। और यहाँ पर अब प्रॉपर्टी की जैसे हमने बात करी है, प्रॉपर्टी यहाँ पर सेल आउट होती हुई दिखाई दे रही है, अच्छी खासी प्रॉपर्टी यहाँ पर सेल हो रही है। और तो यहाँ पर मुझे क्या लग रहा है, यहाँ पर मुझे लगता है कि अब ये देखिए बर्जर पेंट सबसे पहले तो बेहतरीन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है, तो ऐसा शेयर आप खरीद ही नहीं रहे कि ये बेकार शेयर हो। प्लस में एक 10 महीने का यहाँ पर एक कंसोलिडेशन अब यहाँ पर नजर आ रहा है साफ, ये शेयर कभी भी यहाँ पर भागता हुआ दिखाई देगा, ओके। और इस तरीके की एक रैली करके ऊपर जाता हुआ दिखाई देता दे सकता है ये शेयर, और ये शेयर आपको 1200-1300 रुपये तक ये शेयर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। पहला टारगेट की बात करें तो पहला टारगेट यहाँ पर 872 रुपये का है, 872 का इसने एक बार ये हर्डल तोड़ा तो इसके बाद ये शेयर यहाँ पर और भी ज़्यादा निकलता हुआ दिखाई देगा। और ये तो शेयर ऐसा शेयर है जिसे आप अपने पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं, जितना इसे लॉन्ग टर्म होल्ड करेंगे ये शेयर उतना ही बेहतरीन रिटर्न देता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पर इस बेसिस पे अब यहाँ पर थोड़ा सा प्ले करेंगे। और यहाँ पर बर्जर पेंट को यहाँ पर पहले चूज़ किया है, इसके अलावा दूसरे और भी शेयर है जिससे रिलेटेड हम और भी आगे बात करेंगे और ऐसे शेयर को आपको दिलाएंगे कि आप यहाँ पर अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा सेफ एज वेल एज अच्छे खासे तरीके से यहाँ पर आगे बढ़ा सके। तो बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करनी है। वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर करना है, और कोई भी कमेंट हो तो यहाँ पर आप कमेंट कर दीजिए। बाकी आपको हमारी कोई सर्विसेज चाहिए तो यहाँ पर व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट करें। अच्छा खासा शेयर से रिलेटेड आपको यहाँ पर बताए जाएंगे, रिकमेंड किए जाएंगे ताकि आप अच्छा खासा पैसा कमा सकें। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।